फायरबोल्ट की ये दोनों वॉचेस के बारे में तो आप जानते होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे एक तरफ फायरबोल्ट की ऑलमाइटी है कॉलिंग फैसिलिटी के साथ, बट यहाँ पे इंटेल मेमोरी टीडब्ल्यू स्पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। बट यहाँ पे आपको फायरबोल्ट की मिल जाती है 360 प्रो, यहाँ पे आपको इंटेल मेमोरी टीडब्ल्यू स्पेयरिंग का ऑप्शन मिलता है और 512 एमबी इंटेल मेमोरी मिल जाती है और बिल्ट इन गेम्स भी मिलते हैं और ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन तो है ही है इस वॉच में, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। रिजोल्यूशन भी अच्छा खासा दिया गया है इसमें, रिजोल्यूशन तो इससे भी जबरदस्त है, 454x454 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है इसमें आपको। ये बहुत ही अल्ट्रा हाई डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको, एमोलेड डिस्प्ले का तो है ही है। यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें, यहाँ पे 4000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में ऑन ऑफर मिल रही है आपको, फ्लिपकार्ट पे जाके ग्रैब कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके सीधे ग्रैब कर सकते हो। एमोलेड डिस्प्ले के साथ कॉलिंग फैसिलिटी वाली वॉच सर्कुलर डायल में बहुत ही कम मिलती है और ये फायरबोल्ट की ऑलमाइटी वन ऑफ द बेस्ट वॉच है, वन ऑफ द कह सकते हो प्रीमियम वॉच है कह सकते हो आप। यहाँ पे अगर हम बात करें 360 प्रो की तो ये भी अच्छी वॉच है, बट थोड़ा सा कहना चाहूँगा यहाँ पे कुछ फीचर्स मिसिंग है, एआई वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन और ऑडियो प्रोफाइल मिसिंग है। ऑडियो प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि आप अपने फ़ोन की सारी रिंगटोन्स अपने वॉच में नहीं सुन सकते, इसमें आप सुन सकते हो, तो बात करेंगे इन दोनों के बारे में। वैसे चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस कंपैरिजन को। तो गाइस आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रही है वॉच ऑलमाइटी, और यहाँ पे डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है, 22mm स्ट्रैप साइज है, टीपीयू स्ट्रैप है इसका, और इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे ये वाली, इसमें भी टीपीयू स्ट्रैप मिलता है, 360 प्रो है, फायरबोल्ट की ही है, तो इन दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं दोनों में से बेटर कौन सी रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चला हुआ है वो कॉलिंग फैसिलिटी वाली वॉचेस का ही है। तो यहाँ पे हमको दोनों ही वॉचेस में अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने का ऑप्शन मिलता है। आप मेरे को जरूर बताना दोनों में से कौन सी वॉच बेटर रख दी है। मेरे को फिलहाल तो डिस्प्ले क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा बेटर है, इसकी भी ऐसी बात नहीं है, इसकी भी अच्छी मिलती है आपको, फर्स्ट क्लास मिलती है। यहाँ पे आपको एक बेजल मोटी मोटी मिल जाती है, इसमें आपको बेजल थोड़ी सी कम मिलती है, और 1.32 इंचेस की डिस्प्ले है, 1.39 इंचेस की डिस्प्ले है, तो आप मेरे को जरूर बताना यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी, डिस्प्ले का जो साइज़ है किसका आपको ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, मेटलिक डायल मिलता है यहाँ पे, यहाँ पे भी आपको मेटलिक का डायल मिलता है, डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेस आती हैं, और उसी के साथ साथ 22mm स्टेप साइज तो है ही दोनों में ही। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्पीकर माइक का वेंट देख लेते हैं, यहाँ पे ड्यूअल बटन मिल जाती है दोनों में ही, और स्पीकर माइक का वेंट यहाँ पे कहाँ गया, इसी में ही है क्या, आई डोंट नो, यहाँ पे ये रहा स्पीकर और माइक कहाँ है, माइक ये रहा इधर की साइड यहाँ पे होल्ड करके है। और गाइस यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये रहा स्पीकर और माइक कहाँ है, माइक यहाँ पे ये रहा, तो इस तरीके से मिल जाता है। ज़्यादा रगेड बिल्ड क्वालिटी कहना चाहूँगा ऑलमाइटी के है इससे, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलता है यहाँ पे, ये ऑलवेज ऑन रहेगा आपका, ये अच्छी बात है। और अगर मैं दूसरा चेंज करूँ यहाँ पे, वन सेकेंड, यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे स्टैंड बाय डायल यहाँ पे हम करते हैं, तो एक ही स्टैंड बाय डायल है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे अदर डायल नहीं मिलते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ही है आपका। अगर गाइस बात करें 2.5D कर्व ग्लास तो है ही यहाँ पे इसमें, और इसमें भी आपको 2.5D कर्व ग्लास मिल जाता है, स्पोर्टी लुक तो आपको दोनों का ही मिलता है, बट ज़्यादा प्रीमियम कहूँ मैं इसी का ही है। प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, यहाँ पे 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में या 4000 रुपीज़ तक के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलती है, ये भी आपको 4000 में ऑन ऑफर मिल रही है। दोनों की बेस्ट पेयरिंग आपको अपडेट हो जाएगी डिस्क्रिप्शन पेज पे। यहाँ पे बात करें ऊपर की साइड से स्वाइप करने पे टॉगल मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है टॉगल मेन्यू, ये मेरे को अच्छा लगा ये वाला एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ पे आपको वेदर अपडेट नहीं दिखाता, यहाँ पे आपको इन द वॉच इटसेल्फ वेदर अपडेट दिखा देता है, और यहाँ पे पावर सेवर मोड तो मिल ही जाता है, सेटिंग ऑप्शन है, यहाँ पे ब्राइटनेस है, यहाँ पे वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे टॉर्च लाइट भी मिल जाती है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको थिएटर मोड मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें D&D मोड है, और साथ में यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है रेस टू वेक ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे सेटिंग पे चलते हैं। हाँ गाइस एक चीज़ और बता दूँ, रेस टू वेक के साथ आपका ये काम नहीं करेगा, ऑलवेज ऑन और ऑलवेज ऑन के साथ रेस टू वेक काम नहीं करता है। सेटिंग में चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गेम्स मिल जाते हैं, यहाँ पे छोटे से फॉन्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको ब्राइटनेस लेवल्स मिल जाते हैं, उसी के साथ साथ कहाँ गया है गाइस वापस से हम आगे क्या, ओके स्टॉप वॉच है, अलार्म है, टाइमर है, ब्राइटनेस है, और वाइब्रेशन ऑन ऑफ है, थिएटर मोड है, रीसेट है, पावर ऑफ है, अबाउट है, और ऐप QR कोड है। यहाँ पे आपको बड़े फॉन्ट मिलते हैं, और कहाँ गया, बार बार गायब हो जा रहा है ये रहा। स्टैंड बाय मोड है, सिस्टम मेन्यू मिल जाता है यहाँ पे, सिस्टम मेन्यू में ओके ये मिलता है आपको, अबाउट मिल जाता है, तो यहाँ पे UI चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, फिक्स है उस तरीके से मिलता है। और बटन टैप करते आप होम पे आते हो, नीचे वाले बटन से क्या काम होता है, दोनों में प्रेस करके देखते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड खुल जाते हैं, राइट। अब स्पोर्ट्स मोड की बात हो गई है, तो यहाँ पे हम एक बार वॉकिंग वाला चेक कर लें तुम दोनों में ही, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा मिलते हैं, इसमें थोड़े से कम मिलते हैं, तो वॉकिंग वाला एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 50 स्टेप्स को मैं चलूँगा और देखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका, तो पहन लेता हूँ दोनों को ही और 50 स्टेप्स चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे जो रिजल्ट निकल के आते हैं 72 स्टेप्स दिखा रहा है, और इसमें आपको 62 मिलता है, और यहाँ पे आई गेस ये गायब हो चुका है, मेरे पास डेटा इसमें शो नहीं कर रहा है, आई डोंट नो यहाँ पे डेटा गाइज ये रहा।
इसमें आपको इस तरीके से स्टेप्स दिखा रहा है, इसमें आपको इतने मिल जाते हैं। तो गाइज़ ये थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है। और डेफिनेटली यहाँ पे स्टेप्स काउंटिंग की आई डोंट नो यहाँ पे किस तरीके से कैसे स्कैन कर रहा है, बट आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और चीज़ों को चेक करते हैं। यहाँ पे मेन्यू पे चलते हैं, तो मेन्यू पे चल के यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं फोकस पे ले आऊँ। यहाँ पे मेन्यू पे जाने के लिए आपको, वैसे हम राइट साइड में स्वाइप करते हैं तो शॉर्टकट मिल जाते हैं सारे के सारे। यहाँ पे अभी भी स्पोर्ट्स मोड चल रहा है इसका, आई डोंट नो यहाँ पे कैसे बंद होगा ये रहा। इसको हम यहाँ से ओके, यहाँ पे राइट साइड में तो शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, वापस से आप होम स्क्रीन पे आते हो। इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इसमें टेम्परेचर मॉनिटर भी मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको ये मेन्यू मिल जाता है, यहाँ पे वापस से शॉर्टकट स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे TWS पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, ध्यान रखना है आपको। ऑल माइटी में नीचे की साइड से आपको नोटिफिकेशन मिल जाते हैं दोनों में ही, वापस से टैप करके होम पे आते हो। यहाँ पे मेन्यू पे जाने के लिए इस पे टैप करना है, यहाँ पे इस पे मेन्यू नहीं आता, ऑफ हो जाती है वर्ड। यहाँ पे इस तरीके से मेन्यू आता है, अब रोटेटिंग और ये नॉर्मल वाला आपको लिस्ट वाला मेन्यू मिल जाता है। यहाँ पे इनफाइनाइट स्क्रोलिंग है, यहाँ पे आपको लिमिटेड स्क्रोलिंग मिलती है। हार्ट रेट मॉनिटर सबसे पहले चेक कर लेते हैं, फिर एक एक करके चीज़ों को चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी रहेगा चेक करना। अलग अलग मेन्यूज मिलते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों में ही नहीं बता रहे, अच्छी बात है। अब गैज यहाँ पे स्ट्रेस मॉनिटर भी मिल जाता है, ऑलमाइटी में इसमें स्ट्रेस मॉनिटर मिलता है। ब्लड प्रेशर मॉनिटर तक चेक करते हैं हम दोनों में ही, कहाँ गया ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ये रहा। तो दोनों में ही नहीं बता रहा, अच्छी बात है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्लीप मॉनिटर है, SpO2 लेवल मॉनिटर चेक करते हैं, इसमें कहाँ गया ये रहा। स्कैन हो रहा है, देखते हैं, दोनों में नहीं बता रहे, ये अच्छी बात है। ओवर टू द एयर पास कर चुकी है दोनों ही वॉचेस। अब गैस आगे बात करें यहाँ पे अलार्म क्लॉक, इसमें ही मिल जाता है आपको अलार्म, बट इसमें दोनों में ही आप इन द वॉच इटसेल्फ नहीं लगा सकते, ये थोड़ा सा फ्लॉ लगा मेरे को, देना चाहिए था कंपनी को। म्यूजिक कंट्रोल में आपको यहाँ पे म्यूजिक में दिखाया था दोनों में क्या कैसा ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ये रहा म्यूजिक, और यहाँ पे अगर मैं म्यूजिक पे चलूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन करने का ऑप्शन है, दैट्स इट, नेक्स्ट और प्रीवियस करने का ऑप्शन है। यहाँ पे 360 प्रो में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे जब आप जाते हो ये तीन डॉट पे आप टैप करते हो, तो यहाँ पे लोकल म्यूजिक पे जाते हो, तो यहाँ पे आप सॉन्ग्स देख सकते हो बहुत सारी, मैंने यहाँ पे अप टू 80 सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो। ये TWS पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो ये इसमें प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको, राइट। बैक करते हैं, उसी के साथ साथ प्लेयर के बाद आपको क्या मिलता है, वर्कआउट रिकॉर्ड मिल जाते हैं, वैसे अलार्म का ऑप्शन और वेदर अपडेट्स यहाँ पे दोनों में ही देखने को मिलते हैं। ये रहा वेदर का ऑप्शन, वेदर में इस तरीके से आपको शो करता है। उसी के साथ साथ डायल पैड मिल जाता है, नंबर को डायल कर सकते हो यहाँ पे, कॉन्टैक्ट कॉल को यहाँ पे हम डायल करके देखते हैं एक बार, यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हम चेक करते हैं दोनों कनेक्ट हो चुकी हैं, तो एक बार हम इससे डायल करते हैं, मिलाते हैं कॉल। तो ये लाउडनेस मिलती है आपको, ट्रांसफर भी कर सकते हो और कट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है। अब गाइस इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे पेयर हो रहा है, हो चुका है, और यहाँ पे ट्रांसफर करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। लाउडनेस बेटर है, क्लैरिटी थोड़ी सी मिलती है इस वॉच में इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप कट भी कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस बैक करते हैं और चीज़ चेक करते हैं, कॉल क्वालिटी तो चेक कर ही ली हमने। उसके बाद कॉल के बाद आपको क्या मिलता है यहाँ पे, नोटिफिकेशन एक्सेस, वो तो आपको पता ही है। स्टॉप वॉच का ऑप्शन दोनों में मिल जाता है देखने के लिए आपको, और उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें स्टॉप वॉच के बाद टाइमर मिल जाता है, टाइमर के बाद यहाँ पे कैमरा कंट्रोल मिल जाता है, फाइंड माय फोन का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग का ऑप्शन है, वॉइस असिस्टेंट भी इसमें मिल जाता है जो कि इसमें नहीं मिलता आपको, और शेड्यूल तो है, वर्कआउट है ही आपको, हार्ट रेट वापस से स्टार्ट होता है। यहाँ पे गेम्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, और ब्राइटनेस कंट्रोल, ये सब चीज़ें तो है ही, मतलब सारी सारी चीज़ें हमने चेक कर ली। बट अब ओवर टू द हैंड्स पहन लेते हैं और ऑक्सीमीटर के साथ इसका टेस्ट करते हैं। वैसे इसमें आपका वॉइस असिस्टेंट भी काम करता है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, वैसे इसमें तो नहीं है, तो वैसे बनता नहीं है, बट कर लेते हैं। What is the weather of Faridabad? तो वॉच में इटसेल्फ आपका आता है, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ऑडियो प्रोफाइल में मिलती है, मतलब इसमें आप सॉन्ग्स को सुन सकते हो थ्रू द
फ़ोन इटसेल्फ, मतलब इसमें बस सॉन्ग्स को स्टोर नहीं कर सकते। अब पेयर कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे मिलता है। दोनों ही वॉच को पहन लिया मैंने, यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इतनी ब्राइट मिलती है आपको, और देख सकते हो लास्ट टू मीडियम विस्ट के लिए ठीक है, स्किनी विस्ट पे रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी मैं यहाँ पे दोनों ही वॉचेस को। लुक और फील तो डेफिनेटली ऑलमाइटी का बहुत ज़्यादा प्रीमियम आ रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीमीटर ऑन कर लेते हैं, तब तक यहाँ पे HR SPO2 चेक करते हैं। राइट, ये स्कैन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, हो रहा है, 81 दिखा रहा है, यहाँ पे 80 दिखा रहा है, क्लोज टू एक्यूरेट आपको देखने को मिलता है, और SPO2 97 शो कर रहा है, यहाँ पे 80-81 पे जा रहा है, ठीक है ना। हम यहाँ पे चेक करें तो 79-80 यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक्यूरेट मिलता है आपको। SPO2 मतलब HR मॉनिटर आपका अच्छी तरीके से काम कर रहा है दोनों में ही। यहाँ पे देख सकते हो अभी 80-85 तक है, और यहाँ पे आपका जा रहा है 81-83 तक, ठीक है। अब गाइस SPO2 चेक करते हैं, कहाँ गया SPO2, इसमें SPO2 है कि नहीं, शॉर्टकट में नहीं मिलता है आपको SPO2, यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ पे बैक करते हैं, यहाँ पे यहीं पर ही है SPO2। अब गाइस 96 उसमें शो कर रहा था, यहाँ पे देखते हैं। वैसे मैं SPO2 पे रिकमेंड नहीं करता वैसे भी किसी वॉच को, अगर आप स्कैन कर रहे हो। यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल प्राइसिंग सेम है, तो मेरे ख्याल से AMOLED डिस्प्ले वाली वॉच आपके लिए बेटर रहेगी, बट अगर आपको इंटरनल मेमोरी चाहिए तो आप इस वॉच के लिए जा सकते हो। ये वॉच भी अच्छी है, डिस्प्ले क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, बट ज़्यादा बेटर डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए तो ये वाली वॉच बेटर रहेगी ऑलमाइटी आपके लिए, ठीक है। नहीं तो फिर आप इसके लिए जा ही सकते हो। और BP मॉनिटर का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार, BP मॉनिटर क्योंकि आपको दोनों में देखने को मिलता है। BP मॉनिटर कितना अच्छी तरीके से काम करता है वो तो नहीं कह सकता मैं, बट दोनों में मिल जाता है वैसे तो। दोनों को ही मैं रिकमेंड करता हूँ, और एक्यूरेसी मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स मोड में कम मिलती है आपको इस वॉच में। मैंने आपने देखा ही, मतलब यहाँ पे 63 बता रहा था, इसमें आपको 30 नहीं दिखा रहा था, तो ये थोड़ा सा इशू मिलता ही है दोनों ही वॉचेस में। और हार्ट रेट की एक्यूरेसी क्लोज टू एक्यूरेट आपको देखने को मिलती है। तो गाइस ये था मेरी डीप डाउन कंपैरिजन। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ भी रहता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वैसे मैं आपको चेक करा दूँ, अभी फिलहाल ये बंद हो गया था ब्लड प्रेशर मॉनिटर चेक करते करते, आई डोंट नो क्यों बंद हो गया था। यहाँ पे स्क्रीन टाइम मैंने शायद कम कर रखा है, तभी इसका बढ़ाना पड़ेगा। थ्रू द एप्लीकेशन आप 30 सेकेंड तक का मैक्सिमम कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा स्टिल रखना पड़ता है, और यहाँ पे बताया जाता है। वैसे यहाँ पे तो 123x82 दिखा रहा है, यहाँ पे देखते हैं। वैसे डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में देखने को मिलते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आपको दिखाया जाता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है, इस वाले में आपको टेम्परेचर मॉनिटर भी मिल जाता है, तो टेम्परेचर भी आप मॉनिटर कर सकते हो। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। गाइस मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।